लास्ट क्लास हम लोग अरिथमेटिक सर्किट देख रहे थे। इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट में हाफ एडर डिस्कस कर रहे हैं हाँ तो हाफ एडर कंप्लीट कर लिए थे यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। यस सर, बन गया सर, बनाने के लिए आप दिए थे। ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, बन गया। ओके। नो सर। नाउ टुडे विल डिस्कस, एक मिनट, तो बेसिकली हाफ एडर और फुल एडर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि हियर द 3 बिट एडिशन ऑपरेशन इज परफॉर्म। नाउ यू ऑलरेडी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑगेंड बिट एंड एडेंड बिट। ऑगेंड बिट और एडेंड बिट का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ए और बी को, ए को ऑगेंड और बी को एडेंड बिट लें तो फुल एडर में एक थर्ड आपका इनपुट आ जाता है कैरी इन के फॉर्म में, है ना, कैरी इन के फॉर्म में, सी इन के फॉर्म में आपका थर्ड इनपुट आता है। और इस 3 इनपुट कॉम्बिनेशन से हमारा जो सर्किटरी कंप्लीट होता है दैट इज ट्रीटेड एज फुल एडर। तो बेसिकली फुल एडर सर्किट इज व्हाट दैट इज रिलेटेड टू द हार्ड हाफ एडर। लाइक हाफ एडर, अगर आप इसको हम लोग डिफाइन किए थे कि हाफ एडर इज अ सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एडिशन ऑफ 2 बिट ऑफ एनी नंबर। नाउ दिस 2 बिट इज रिप्लेस्ड बाई 3 बिट बिकॉज थर्ड बिट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरी इन। तो ये 2 बिट के जगह 3 बिट आपका इंफॉर्मेशन होगा एंड अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से आपका जो है इनपुट और आउटपुट भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ फुल एडर सर्किट वी जस्ट मेंशन हियर इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट सर्किट हैविंग नॉट हैविंग इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एडिशन ऑन 3 बिट ऑफ बाइनरी नंबर, 3 बिट ऑफ बाइनरी नंबर। नाउ 3 बिट आपका जो है इस 3 बिट में 3 इनपुट्स आर देयर। तो 3 इनपुट्स, 3 इनपुट्स फॉर फुल एडर सर्किट, फुल एडर सर्किट इज ऑगेंड ऑगेंड बिट, दैट इज सपोज अगर एक्स वाई ले रहे हैं तो एक्स वाई ने तो ए बी सी ले गए, तो ऑगेंड बिट ए, एडेंड बिट दैट इज बी एंड कैरी इन बिट, यानी कैरी इन बिट जिसको हम लोग सी इन से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस में इन सी इन, बिकॉज देयर इज सम कैरी आउट ऑल्सो। तो इनपुट में कैरी इन एंड 3 आउटपुट्स और 3 2 आउटपुट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सम that is represented by S and carry out that is C out, है ना। तो 3 इनपुट हो गया A, B और C in, और 2 आउटपुट हो गया सम और कैरी
आउट। नाउ अगेन वी डिजाइन द ट्रुथ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री इनपुट्स। तो जो लॉजिकल गेट में हम थ्री इनपुट लेकर बनाते थे वही थ्री इनपुट्स है। नाउ द थ्री इनपुट्स आर ए बी एंड सी इन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी जस्ट टेक द एट कॉम्बिनेशंस फॉर दिस सर्किट। द ट्रुथ टेबल having three input and two output for full adder circuit is as follows. So isme हो गया एक दो तीन और दो चार पढ़ोगे गिनती है? पहले गाना गा रहा था अभी गिनती कर रहा है। या तो म्यूट हो जाओ नहीं तो फिर सबको म्यूट हम नहीं करना चाहते हैं। गाना गाने के मूड में है तो म्यूट करके सबको नहीं कीजिए सर, उसको रिमूव कर दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, सबको म्यूट मत कीजिए सर, उसको रिमूव कीजिए, गाना गा रहा है। यस सर। ये आपका इनपुट सेक्शन हो गया और ये आपका आउटपुट। हाँ अब आपको ऑलरेडी पता है कि थ्री इनपुट्स के लिए कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं। तो 2 का पावर 3 दैट इज 8, तो हाफ ऑफ 8 इज 4 टाइम 0 फर्स्ट कॉलम में, 4 टाइम 1 एंड हाफ ऑफ 4 2, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 एंड हाफ ऑफ 2 दैट इज 1 0 1 0 1 0 1। नाउ अब सम करने के लिए क्या करना है, ए और बी को पहले ऐड करना है और उसमें फिर सी इन को ऐड करना है। तीनों ऐड करने के दौरान अगर आपका दो बिट में रिजल्ट आया तो कैरी आउट में आप वन प्लेस करेंगे, अदरवाइज अगर सिंगल बिट में इंफॉर्मेशन आया तो सम को आप अपडेट करते चले जाएंगे और कैरी आउट आपका जीरो होगा। तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो एंड अगेन जीरो प्लस जीरो इज जीरो, नो कैरी आउट तो जीरो, जीरो प्लस जीरो इज वन, जीरो प्लस जीरो इज जीरो एंड फर्दर जीरो प्लस वन इज वन तो नो कैरी आउट, जीरो प्लस वन इज वन and 1 plus 0 is again 1, no carry out. Similarly,
जीरो प्लस वन इज वन एंड वन प्लस वन इज वन जीरो, तो वन जीरो में जीरो राइट मोस्ट बिट इज स्टोर्ड एज सम एंड लिस्ट सिग्निफिकेंट आपका जो बिट है वो स्टोर्ड होगा सम में और मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है या बिट है वो कैरी आउट होगा. वन प्लस जीरो इज वन एंड फर्दर वन प्लस जीरो इज अगेन वन, नो कैरी आउट. वन प्लस जीरो इज वन एंड फर्दर वन प्लस वन इज वन जीरो, तो वन जीरो में तो यहाँ जीरो और यहाँ वन, वन प्लस वन इज वन जीरो एंड वन जीरो प्लस जीरो इज अगेन वन जीरो, तो दिस इज जीरो दिस वन इज वन, वन प्लस वन इज वन जीरो एंड वन जीरो प्लस वन इज वन वन, तो सम में भी वन और कैरी आउट में भी वन. ठीक है, तो अब यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रूथ टेबल यू जस्ट सी दैट द आउटपुट ऑफ सम इज इक्विवेलेंट टू विच लॉजिक गेट. द आउटपुट ऑफ सम इज इक्विवेलेंट टू द XOR गेट हैविंग थ्री इनपुट, बिकॉज XOR गेट का जो आउटपुट कंक्लूजन क्या है कि आउटपुट इज हाई फॉर ऑड नंबर ऑफ वन एंड इट इज लो फॉर इवन नंबर ऑफ वन. तो ऑड नंबर ऑफ वन के लिए वन है, जीरो जीरो वन में एक वन है यानी ऑड है, जीरो वन जीरो में भी एक वन है यानी ऑड है, जीरो वन वन, जीरो वन वन में आपका दो वन है यानी कि इवन है तो जीरो होगा, ऑल जीरो में भी जीरो, वन जीरो जीरो में नंबर ऑफ वन एक है इसलिए ऑड, वन जीरो वन में दो है इसलिए जीरो, यहाँ भी दो है जीरो, और वन 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 में थ्री वन है यानी ऑड है तो वन. दैट मीन्स द आउटपुट सम इज इक्विवेलेंट टू द आउटपुट ऑफ XOR गेट हैविंग थ्री इनपुट बिकॉज द आउटपुट कंक्लूजन इज मैच्ड विद द पर्टिकुलर XOR गेट. नाउ सी द सी आउट, तो सी आउट को जब आप देख रहे हैं तो आउटपुट ऑफ सी आउट इज डजंट मैच विद एनी लॉजिक गेट, तो यू हैव टू यूज के मैप, ठीक है ना, तो यू हैव टू यूज के मैप टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर कैरी आउट इन केस ऑफ फुल एडर. तो सम के लिए तो आपका एक्सप्रेशन XOR गेट का हो गया, और XOR गेट का थ्री इनपुट से एक्सप्रेशन निकालने के लिए भी आप जो है तरीका आपका क्या होगा, पहले तो आप एक्सक्लूसिव OR के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको अगर एक्चुअल कॉम्बिनेशन चाहिए होगा तो जहां जहां सम में एस में वन है वो वन जिस कॉम्बिनेशन के लिए है, तो ऑलरेडी हम लोग पहले बता चुके हैं कि जहां भी जिस लिटरल्स के लिए जीरो होगा उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेना है और जो वन होगा उसको नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेना है. तो एस का अगर एक्सप्रेशन निकालना होगा तो कितना कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, तो वन टू थ्री फोर, तो आउट ऑफ एट कॉम्बिनेशन फोर कॉम्बिनेशन आर यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ सम. सम का जो एक्सप्रेशन है उसमें फोर कॉम्बिनेशन आपका यूज हुआ, तो वो फोर कॉम्बिनेशन कौन है, फर्स्ट वन दिस वन, देन दिस वन, जहां जहां वन है then this one and this one. So you can easily find out the expression for this sum for three variable. So jaise 0 0 1 hai to iske liye kya lenge, a bar b bar aur c in. 0 1 0 hai to a bar b aur c in bar. Usi tarah se 1 0 0 hai to a b bar c in bar aur 1 1 1 hai to a B और C in. तो ये आपका कॉम्बिनेशन होगा, इसी कॉम्बिनेशन को आप एक XOR गेट हैविंग थ्री इनपुट्स के लिए लेंगे, यहाँ पर S के लिए एक्सप्रेशन अगर लेना होगा तो, ठीक है, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट हियर S इज इक्वल टू A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C in, बट यू नीड दिस एक्सप्रेशन टू बोलिए सर, सी आउट का भी तो एक्सप्रेशन इसी के मैप से इजीली निकल जाएगा सर, जैसे इसका निकल रहा है. क्या बोले सर, बोल रहे हैं कि जैसे सम का एक्सप्रेशन के मैप से निकाल रहे हो वैसे सी आउट का भी एक्सप्रेशन इजीली के मैप से निकल जाएगा. सम का एक्सप्रेशन के मैप में नहीं निकाल रहे हैं, सम का तो आपका जो आउटकम है वो इक्विवेलेंट टू XOR गेट का हो गया,
वो हम बता रहे हैं कि आपका जो सम का जो है कंप्लीट एक्सप्रेशन डिटेल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा। शॉर्ट में तो ऐसे लिख देंगे क्योंकि एक्सक्लूसिव और का जो एक्सप्रेशन का सिंबल है ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन लिखेंगे, लेकिन अगर आपको इसका सर्किट जो है बेसिक गेट से बनाना हो या नैंड गेट या नॉर गेट से बनाना होगा देन यू नीड अ डिटेल एक्सप्रेशन फॉर द पर्टिकुलर सम। फाइनली आप सम तो एक्सओआर गेट से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका आउटपुट तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सओआर गेट ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन। लेकिन अगर बेसिक लॉजिक गेट से बनाना होगा या नैंड गेट से बनाना होगा इसका सर्किट या नॉर गेट से, तो यू नीड अ डिटेल एक्सप्रेशन ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हाउ मेनी एंड गेट इज यूज, हाउ मेनी नॉट गेट इज यूज एंड हाउ मेनी और गेट इज यूज टू एकम्प्लीस द सर्किट फॉर सम। सी आउट में किसी लॉजिक गेट से ये मैच नहीं कर रहा है आउटपुट, इसलिए सी आउट के केस में हम इसको KMAP से यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो लेंगे वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं बनेगा क्योंकि दैट एक्सप्रेशन नीड टू बी सिंप्लीफाइड बिकॉज दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉजिकल XOR गेट। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही मान के चलेंगे कि ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको डायरेक्ट ले लेंगे सर्किट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ जो एक्सप्रेशन है इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं मान सकते इसलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड किसी गेट का जो है वो आउटकम के इक्विवेलेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंप्लीफाई कर रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसको हम सी आउट का एक्सप्रेशन बनाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, यस सर, समझे। तो फॉर दैट रीजन वी जस्ट मेंशन हियर। तो नेक्स्ट वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द above truth table the output of sum is equivalent to the output of XOR gate but the output of C out carry out बोलिए सर। आप बोले कि सर सी आउट जो है सर आया जो कि वो किसी गेट से नहीं वो फाइंड हुआ, तो उसको तो जांचना पड़ेगा ना सर, सभी गेट से देखना ना पड़ेगा ना सर, एंड गेट से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फिर और गेट से करना पड़ेगा, तो देखेंगे कि नहीं है तो नहीं करेंगे उसको। बता रहे हैं जी तुमको ये मैच नहीं कर रहा है वही चीज करेंगे, तो एक्सप्रेशन जो है आप देख लो कोई गेट से मैच कर रहा है? नो सर, नॉट गेट से तो नहीं करेगा, एंड गेट का भी नहीं हो सकता है क्योंकि एंड गेट में जब ऑल वन होगा तो वन होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन है। और गेट से भी नहीं होगा क्योंकि और गेट में एक भी वन होता है तो वन होता है, इसमें वन होना चाहिए तो वन नहीं है। तो बेसिक गेट्स तो तीनों नहीं हुआ, चेक कर लिए। जब बेसिक गेट से नहीं हुआ तो फिर नैंड और नॉर से चेक करेंगे, तो नैंड और नॉर के केस में भी यहाँ नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर आपका और एंड नहीं है तो नैंड भी और नॉट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली और एंड होना है उसी का नॉट और होता है। तो अगर और एंड बेसिक गेट्स नहीं हो रहा है तो नैंड नॉट भी नहीं होगा, तो बच गया आपके पास एक्सओआर और एक्सनॉर। तो एक्सओआर के केस में तो अभी चेक किए तो एक्सओआर का केस यहाँ तो लागू नहीं हो रहा है, अब चूंकि एक्सओआर का नहीं लागू हो रहा है तो एक्सनॉर का भी नहीं लागू होगा क्योंकि उसका रिवर्स भी यहाँ नहीं अप्लाई हो रहा है। तो ऑल सेवन गेट्स को तो चेक कर ही लिए, किसी गेट से मैच नहीं कर रहा है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमारे पास सोल्यूशन है कि यहाँ जहाँ जो जो कॉम्बिनेशन में ये ऑन हुआ है सी आउट, उस कॉम्बिनेशन के लिए हम जो है केमैप को एज ए मीन टर्म प्रोडक्ट टर्म के रूप में यूज करके और फिर इसका एक मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालें जिस मिनिमाइज एक्सप्रेशन के बेसिस पर हम सर्किट डिजाइन कर पाएंगे। इट क्लियर? यस सर। शिबू कुमार क्लियर हुआ? यस
यस सर, वही बोल रहे थे कि पूरा हमको देखना पड़ेगा, यही बोल रहे थे। हाँ तो वो तो सारा देखने के बाद ही हम कंक्लूजन बताए ना कि किसी लॉजिक गेट से ये मैच नहीं कर रहा है। हाँ तो वो सर नहीं, आप पूरा ठीक, हम समझ गए सर, समझ गए। ठीक, तो बट द आउटपुट ऑफ कैरी आउट डजंट मैच विद द आउटपुट ऑफ एनी लॉजिक गेट So to obtain the logic expression for C out we can use, अब इसमें चूंकि three variable आपका use हो रहा है A B C in, तो वी यूज थ्री वेरिएबल मैप, वी कैन यूज थ्री वेरिएबल के मैप, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन हियर कि एस इज इक्वल टू व्हाट, एस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्स, लॉजिक एक्सप्रेशन। एस के लिए तो यही हो गया बिकॉज it the output of S match with the output of XOR gate, so XOR gate having three inputs के लिए expression हो गया। और यही चीज को हम बता रहे थे कि इसका जब basic gate से बनाना होगा structure, तो you need a detailed expression for this। तो detailed expression के लिए हम लोग यहाँ पर बताए कि जिस S में जहाँ जहाँ one है वो जिस combination of input के लिए है उस combination of input का expression mention कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप बोलिएगा तो यहां पर हम लिखेंगे, पहले तो लिख ले रहे हैं ए बार बी बार सी इन, देन सर नोट हम भी नहीं किए हैं सर, ए बार बी सी इन बार और ए बी बार बस ए बी सी। अब क्या हुआ जी सर, सबको अनम्यूट कर लें तो सब कैसे बोलेंगे सर, बोले कर रहे थे तो तुम रेस कर रहे, तुमको मौका दे रहा ना बोलने के लिए, लास्ट में डिस्टर्बेंस था इसलिए म्यूट किए। ओके सर, ओके सर, आप जब हैंड रेज करेंगे तो आपको मौका देंगे। तो एस ये आपका डिटेल एक्सप्रेशन जरूरत पड़ेगा जब हम इसको इसके लिए सर्किट बनाएंगे बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट करने करते हुए। नाउ वी जस्ट थिंक अबाउट कैरी आउट के लिए Now see, in case of carry out mean term product term कहाँ कहाँ है, तो पहला 011, पहला है 011, तो 011 में 011 that means you just allocate one here, then second one exist for the combination 101, तो 101 में 101 that is this one, allocate min term here. Now the next is 110 for the combination 110, so 110 के लिए है, तो 110 के लिए यानी कि 110 this one, yes, and
The last one is all one. One, one. All one, that means one, 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 this one. So when we allocate all the four one, then we have four pair. By overlapping, we have four pair. First pair, second pair, and this one is the third pair. So by solving these three pairs, you will get the expression for carry out. So one, we just take the ones at a time. एक ही समय में अगर ले लें, तो taking ones on the location, एक साथ ले लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 तो 2, 7, 2, 7 then यहाँ 7 फिर इसके साथ 4, 5 यानी 5, 7 and 6, 7 we have एक साथ ये सबको ले लिए तो अब कॉम्बिनेशन आप जैसे लेना है लीजिए यहाँ सीक्वेंसिंग आप जो लिखे हैं कोई जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस से लिखिए आप अगर 2, 7 ले रहे हैं तो पहले 2, 7 को लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ए बार बी सी इन प्लस 7 हो गया आपका ए बी सी इन बोलिए बोलो क्या बोल रहे हो सर हेलो हेलो सर वो वाला समझ में नहीं आया जी सर बोले समझ में नहीं आया सर यहाँ हाँ बोलिए जी समझ में नहीं आया सर 2, 7, 5, 7 जो किए सर वहाँ पे हेलो हाँ बोलिए जोर से बोलिए थोड़ा सर बोल रहा है कि समझ में नहीं आया सर वो 2, 4 जो लिख रहे हैं सर अच्छा क्या नहीं समझ में आया 2, 7 वो जो 2, 7, 5, 7 लिख रहे हैं ना सर नंबरिंग दे रहे वो इसको समझ में नहीं आ रहा ये बोल ये यस सर फिर मैं आपका क्लास नहीं किए हो जी सर नेक्स्ट क्लास छूट गया था सर 2, 7 तुमको समझ में नहीं ये सेल का नंबर दे रहे हैं समझ गया सर ये जो आप सेल लिखते हैं ये बताए थे ना सेल का नंबर जी जी आपका जो है इसमें ये सेल नंबर क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अच्छे 0, 1, 2, 3 यहाँ 2, 7 नहीं होगा 3, 7 होगा 3, 7 होगा वही सर ठीक है 2, 7 गलत लिखा हुआ है 3, 7 यहाँ पर हम लोग पेयर बनाए हैं और 5, 7 में एक पेयर बनाए हैं और एक 6, 7 में बनाए हैं ठीक है तो यहाँ 2, 7 नहीं है 3, 7 है तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन हम लोग ले रहे हैं ए बार बी सी ये सही है ठीक है 3 के लिए ही ले रहे हैं वहां लिखने में 2 लिखा गया था 3, 7 ही होगा यहाँ इसका थर्ड और फोर्थ प्लेस इंटरचेंज होता है के मैप में तो 0, 1, 2, 3 ठीक है एंड देन 7 आपका है तो ये ए और इधर से बी सी इन क्लियर देन 5, 7 तो 4, 5, 5, 7 तो इसके लिए क्या होगा ए बी ए बी वार सी इन सी इन इसके लिए हम और भी एक शॉर्टकट बताए थे इसको ये जब आपके पास आ जाएगा तो इसके लिए ए 4, 2, 1 पैटर्न लगा दीजिएगा हो जाएगा जैसे 5 के लिए है तो 5 के लिए आप क्या किए 4 और 1 को ऑन कर दिए 2 को ऑफ कर दिए तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑफ के लिए यूज होता है ठंडा है तो कॉम्प्लीमेंट आपका जो है वो 0 के लिए और नॉन कॉम्प्लीमेंट 1 के लिए तो 4, 2, 1 पैटर्न भी लगाकर आप डायरेक्ट भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बार बार एक्सप्रेशन को देखना नहीं है तो 5, 7 है तो 7 है इसका मतलब कि ए बी ऑन और सी इन ठीक है तो ए बी सी इन 6 के लिए क्या लिखेंगे 4 और 2 को ऑन करेंगे तो ए और बी सी इन बार हो जाएगा तो यहाँ देखिए 6 के लिए आपका यही है ना इधर से ए और इधर से बी सी इन बार तो यहाँ से भी वही चीज होगा और 7 के लिए फिर ए बी सी इन अब इसमें कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या होगा ये पहले वाले में
बी सी इन कॉमन हो गया, ए बार प्लस ए वन हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, ए सी इन, ए सी इन, तो यहाँ हो गया बी बार प्लस बी, और इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, ए बी, ए बी, इसमें हो गया सीन बार प्लस सीन। तो फाइनली यहाँ सबको आप इनवर्स लॉ लगा देंगे तो बच गया आपके पास बी सी इन प्लस ए सी इन प्लस ए बी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैरी आउट, देयरफॉर यू कैन मेंशन हियर सी आउट इज इक्वल टू बी सी इन प्लस ए सी इन प्लस ए बी। ये ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ए बी पहले ले ले, ए सी इन पहले ले ले, बी सी इन पहले ले, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये तीनों एक्सप्रेशन होना चाहिए एंड दिस थ्री एक्सप्रेशन इज फॉर कैरी आउट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सम एंड कैरी आउट यू कैन इजिली डिजाइन द पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट फॉर फुल एडर इज एज फॉलो। देखिए तो एक स्टैंडर्ड लॉजिक सर्किट तो हो जाएगा कि एक XOR गेट हैविंग थ्री इनपुट जनरेट द S, A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C इन, और इसमें हम A B और C इन तो यहां पर आपका ए भी गया डायरेक्ट, बी गया और सी इन, ये सम के लिए ए बी सी इन तीनों एक्सॉर गेट रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्ट एक्सॉर गेट को लिए। और यहां पर अब आपका क्या है कि तीन एंड गेट यूज हो रहा है, और तीनों एंड गेट का जो आउटकम है वो फिर फर्दर एक और गेट से पास हो रहा है, क्यों, एंड दैट विल जनरेट द सी आउट, दैट इज ए, क्या था, बी ए और बी सी इन प्लस ए सी इन प्लस ए बी। तो जो इसका ऑर्डर है तो पहला एंड में बी सी इन यानी बी सी इन, दूसरे में ए सी इन तो ए सी इन, और तीसरे में ए बी ए बी। ठीक है, तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं, आप यहां पर ए नहीं बी सी इन ए सी इन और ए बी, जो फर्दर आकर यहां पर बी सी इन प्लस ए सी इन और प्लस ए बी आपका बना। तो दिस इज द पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट। लॉजिक सिंबल जो है यू कैन से स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल, स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल ऑफ फुल एडर सर्किट इज फुल एडर ना, दिस वन इज द स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल। नाउ जस्ट ट्राई टू डिजाइन द लॉजिक सर्किट अगेन। यहां पर भी तीन लॉजिक सर्किट बनेगा, फर्स्ट लॉजिक सर्किट ऑफ फुल एडर, यूजिंग ओनली बेसिक गेट्स। अब ये जो सर्किट बनाना है इस सर्किट में आपको डिटेल एक्सप्रेशन का जरूरत होगा, जिसके लिए हम लोग डिटेल एक्सप्रेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बताए, ठीक है ना। इसके बेसिस पर जो डायग्राम आप बनाएंगे, यू हैव टू ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ओनली बाय फुल एडर
यूजिंग ओनली NAND गेट यूनिवर्सल गेट NAND गेट NOR गेट एंड वन मोर यू हैव टू डिजाइन द लॉजिक सर्किट ऑफ फुल एडर यूजिंग ओनली NOR गेट्स. तो बेसिक गेट से बनाने के लिए जो कैरी आउट है वो तो एज इट इज रहेगा, केवल आपको सम का ब्रेकअप करना होगा. तो एक XOR गेट के लिए एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन यूज हो जाएगा, ठीक है ना. इसमें कौन कौन सा सेल है केवल देख लीजिए, सेल नंबर कौन कौन सा है ताकि उसको हम लोग यूज कर सके. तो सेल नंबर ये आपका है 1, 2 और देन 1, 2 और देन 4 एंड देन 6 1, 2, 4, 6 1, 2, 4, 6 ये 1, 2, 4, 6 है. इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आप 4-to-1 पैटर्न लगा देंगे, 4-to-1 पैटर्न लगा देंगे, then you will easily get the 1, 2, 4, 6 कैसे लिए बोलिए सर. वो 1, 2, 4, 7 है ना सर. अच्छा हाँ 7, ठीक 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 है. वन टू फोर सेवन, ठीक है. तो 1, 2, 4, 7 से आपको समझ में आएगा कि ये जो ए बी या सी इन लिया गया है इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह ज्यादा लेगा, ठीक है ना. तो अब यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 एंड का जरूरत होगा और बाकी 3 एंड तो इसमें था ही पहले से. तो पहला 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 7 के लिए 4 और 3 कैरी आउट के लिए जो था वो तो एज इट इज रहेगा. 3 कैरी आउट, ये कैरी आउट जो है ये कैरी आउट और गेट से होकर गुजरेगा. ये सी आउट, इसका एक्सप्रेशन आपको पता है, बी सी इन प्लस ए सी इन प्लस ए बी, ठीक है. अब जैसा जो ऑर्डर है उसके हिसाब से इसको मैच कर देंगे. तो पहले वाले में बी सी इन, तो बी और सी इन, दूसरे वाले में ए सी इन, तो ए और सी इन, और तीसरे वाले में ए बी, ए बी. क्या सर 1, 2, 4, 7 नहीं समझे सर, थोड़ा सा बता दीजिए. लिखा है वो इक्विवेलेंट टू क्या है, 1 है ना. यस सर, हाँ 1 जो है इस 001 कॉम्बिनेशन के लिए है ना. तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 001 इज रिप्रेजेंटेशन फॉर 1, 010 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 2, और ये जो आपका 1 है 100 इज रिप्रेजेंटेशन फॉर 4, और ये ऑल 1 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 7. अब लोग कैसे हुआ, तो 4-2-1 पैटर्न तो आप जानते हैं ना. यस सर, आप जानते हैं. तो बस इस 4-2-1 में इसको प्लेस कर दीजिए, 001 इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 1 होगा ना. यस सर. दूसरा 1 जो है इसमें 010 को प्लेस कर दीजिए, ये कौन ऑन हुआ, 2 ऑन हुआ.
यस सर। वन जो है ये है 100, तो ये कौन ऑन हुआ? 4। लास्ट वाला जो है ऑल वन है, तो ऑल वन है यानी 4 भी 2 भी और 1, 4 + 2 + 1 क्या हो गया? 7। 7 सर। नाउ इट इज क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर सर। इसलिए ये लिए हैं क्योंकि हमको 3 एक्सप्रेशन बनाना आसान होगा, तो 1 होगा केवल सी इन को नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखेंगे, ए और बी को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले लेंगे। Yes, अगर 2 हाँ. होगा तो 2 को केवल नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखेंगे, 4 और 1 प्लेस पर यानी ए और सी इन को हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो रहा है तो इसका मतलब पहले वाले ए को हम नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखेंगे, बी और सी इन को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले लेंगे। 7 होगा तो तीनों को नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, समझ गया। तो उसी बेसिस पर आपका पहला वन के लिए अगर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, पहला वन के लिए तो वन के केस में क्या है? 4 2 1, जस्ट इमेजिन 4 2 1, फोर टू वन में वन के लिए क्या होगा? ये ऑन होगा ना, ए बार बी बार सी इन से। तो सी इन ऑन होगा और ए और बी ऑफ होगा। ऑफ के लिए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना। यस सर। ये हुआ वन के लिए, यानी वन के केस में आपका जो लिटरल्स कैसे होगा, तो लिटरल्स आपका जो है वो इस तरह से, एक्चुअली यहाँ पर ए बार बी बार रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो जीरो है और सी इन जो है रिप्रेजेंटेशन फॉर वन है। तो जीरो जीरो वन के लिए इक्विवेलेंट आपका लिटरल्स क्या हो जाएगा? ए बार बी बार सी इन। तो यहाँ पर उसी तरह से लेंगे, लॉजिक बेसिक गेट्स है तो थोड़ा सा यहाँ जगह चाहिए। सर इन्वर्टर सही पास होना चाहिए। तो अब देखिए, पहला है ए बार बी बार सी इन, तो ए बार का मतलब हुआ ए से क्रॉस किया है नॉट गेट से होते हुए, ये कहां गया? इस एंड गेट में। बी भी उसी तरह से जाएगा, बी भी नॉट गेट से पास होकर जाएगा और सी इन डायरेक्ट जाएगा। डायरेक्ट से ये आपका जो आउटकम जनरेट हुआ, ये आउटकम क्या हो गया? ये आउटकम हो गया आपका ए बार बी बार सी इन। दूसरा जो है वो टू के लिए, तो टू के लिए क्या होता है? टू के लिए वन ऑन होगा, ये दो टू ऑन होगा, ये दोनों ऑफ होगा। तो जो ऑफ है यानी ए बार आपका ऑफ है, यानी ए आपका ऑफ है तो ए बार हो गया, बी ऑन है तो बी नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, सी आपका ऑफ है तो सी इन अगेन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो दूसरे वाले के लिए दूसरा एंड गेट में ए अगेन नॉट गेट से होकर जाएगा, बी डायरेक्ट जाएगा और सी इन अगेन नॉट गेट से होकर जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट बनना चाहिए था। तो ये आपका, ये हो गया आपका ए बार बी सी इन बार। तीसरा जो है वो 4, तो 4 के लिए ये 1 इसको ऑन होना होगा, बाकी को ऑफ। तो पहला ए आपका यहाँ ऑन होगा, यानी ए आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और बी और सी इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर ए डायरेक्ट जाएगा, बी नॉट गेट से होकर जाएगा और सी इन बी नॉट गेट से होकर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी बार सी इन बार। और द लास्ट वन इज 7, 7 का मतलब 4 + 2 + 1, ये हो गया आपका ए भी ऑन बी भी ऑन
और सीन भी ऑन, यानी कोई भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं होगा। तो डायरेक्टली ए क्रॉस किया, बी क्रॉस किया और देन सी इन, फाइनली ए बी सी इन। और ये जो है फर्दर और गेट क्योंकि वन टू फोर सेवन के बीच में प्लस है, प्रोडक्ट टर्म क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में रिप्रेजेंट होगा, तो ये प्रोडक्ट टर्म के सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए ये और गेट हो गया। फाइनली एस इज इक्वल टू व्हाट, एस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन। आप चाहें तो ये सबको भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट एस इज इक्वल टू ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सीन बार प्लस ए बी बार सीन बार प्लस ए बी सी इन। तो दिस इज द डिटेल लॉजिक सर्किट ऑफ फुल एडर यूजिंग ओनली बेसिक गेट्स। आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू यू। यस सर, एंड और नॉर बना लेंगे सर। हाँ, तो ये दो आपको खुद करिए, एक हम बता दिए, दूसरा और तीसरा जैसे हाफ एडर लिखिए यहाँ पर भी आपको ये करना है, नहीं होगा तब बताएंगे। तो यू जस्ट ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ फुल एडर यूजिंग ओनली नैंड गेट्स एंड सिमिलरली यूजिंग ओनली नॉर गेट्स। ये दो लॉजिक सर्किट आप बना लेंगे, नहीं बनेगा देन यू मे आस्क, देन आई विल गिव द सॉल्यूशन। हो जाएगा? यस सर।